टॉस जीते हैं आप, बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे? बैटिंग करेंगे इंशाल्लाह। कितना रन आपने अपने जेन में रखे हुए हैं कि आपने इनको देने हैं? 60। 60 रन आप समझते हैं कि यहाँ पे आप अगर 60 रन पहले करते हैं तो उनको इनको स्कोर तक महदूद कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं या फिर ओवर खत्म कर सकते हैं? इंशाल्लाह हम 60 रन अगर स्कोर बोर्ड पर जा लेते हैं तो हम इन्हें इंशाल्लाह हरा देंगे। यहाँ पे जो टूर्नामेंट हो रहा है इस हवाले से आप क्या कहते हैं, बड़ी गैर मयारी सी ग्राउंड भी नजर आती है और इसमें खेलना कितना मुश्किल है जब आप दूसरी टीवी पे क्रिकेट देखते हैं, वहाँ पे तो कदरे मुख्तलिफ होती है। बस अल्लाह का शुक्र है कि यही मुजसर है, लेकिन यहाँ के जो हैं सियासी लोग वो यही चीज़ भी नहीं देते हमें। ये इलाके के लोगों ने खुद किराए पे लिया हुआ है और किराया मंथली देते हैं इस ग्राउंड का, और अल्लाह का शुक्र है ये भी हमें मुजसर है, वरना आजकल के दौर में ग्राउंड कहाँ मिलते हैं। आप पूरी उम्मीद है कि मैच जीत जाएंगे? जी हाँ इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है। 60 रन वो बता रहे हैं कि 60 रन उन्होंने करने हैं, आप समझते हैं कि जितने ओवर्स का ये मैच है उसमें 60 रन वो बना सकते हैं या अगर बना लेते हैं तो फिर आप उसको अचीव भी कर सकते हैं? हमारे पास ज़बरदस्त बैट्समैन है, अगर 60 रन भी ये कर लेते हैं तो हम इंशाल्लाह 4-5 ओवर में पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या कहते हैं इस इलाके के हवाले से, गैर मयारी सी ग्राउंड है, जब आप टी वी पर क्रिकेट देखते हैं इससे बड़ी मुख्तलिफ होती है? जी हाँ, ये ग्राउंड भी हम लोगों ने ज़ाती तौर पर अफोर्ड किया है, यहाँ के MNA और MPAs ने हमें 10-15 साल से इस इलाके को ग्राउंड नहीं दी है, ठीक है, तो ये हमारे प्लेयरों की ज़ाती कोशिश की वजह से यहाँ पे ये ग्राउंड हमने अरेंज किया है। यहाँ के MPA और MNA ने हमें ग्राउंड नहीं दिया आज से 15-20 साल पहले तक, आज तक। दोबारा वोट देंगे उनको जिन लोगों ने 10-15 साल से आपको जो है ना वो लारा लगाया हुआ है? जी हाँ, हमें इंशाल्लाह इस दफ़ा चेंजिंग करेंगे, हम तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला होगा बहुत ही अच्छी शॉट, उड़ती हुई शॉट मोहम्मद सजाद की। मनीषियात का खात्मा, हमारा पैगाम है अमन। हमारे अंपायर आज के जो कि इस मैच के सर अंजाम दे रहे हैं, राणा मुतन शेरा सरजमीन के बहुत अच्छे बॉलर मोहम्मद जहीर, हमारे बैट्समैनों के लिए लॉर्ड वी अल्तीफ जूलर हाशिम और शेरा बिरका की तरफ से ऑफर है, हर प्लेयर को 200 रुपया दिया जाएगा एक छक्के पे। और ये बहुत अच्छी शॉट, अंपायर मतन सर को टकराती हुई बॉलर गया से फील्डर गया के पास, और जो के बैट्समैन बहुत ही अच्छी दौड़ में 2 रन लेने में कामयाब। किस तरह से देखते हैं नौजवानों के लिए सेहतमंद सरगर्मी है, अपनी मदद आपके तहत सारा काम हो रहा है? इतने साढ़े इंतजाम को नहीं आया सही। अच्छा, साढ़े इतने इंतजाम हो गए ना सही, ग्राउंड देखो ग्राउंड की हालत नहीं आई खेडन की, जिस तरह होना चाहिए ना उस तरह इंतजाम नहीं आया, इतने सारे बस अपनी अपनी पई है अपने काम सवार जाने सज्जे खबर किसी तरह ध्यान। तुहानू की शौक आया, तुसी एक छक्के ते 200 रुपए इनाम रखता है, बहुत ज्यादा छक्के बजने हौसला दे अपना खिलाड़ी ने हौसला सही हो जाती। अच्छा, जरा जोश खोज ना खेडेंगे। आपको किस तरह से ख्याल आया इस टूर्नामेंट को करवाने का? मैं समझता हूँ कि ये अपनी जो नौजवान नस्ल है इनको ग्राउंड में लाने के लिए हमने सोचा कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमने ये ठेके पे ज़मीन ली है, इसमें पूरा साल क्रिकेट हुई है, अब ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इतना जज्बा आपने कभी शायद बड़े मैचों में भी ना देखा होगा, कि इसलिए हमने ये करवाया है। जी तो रिस्पांस कैसा रहा है अब तक? आप आज तो पहला दिन है, रिस्पांस आप देख रहे हैं कितना अच्छा है, जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे जाएगा इसका मतलब ये बढ़ता जाएगा। किस हद तक जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आपकी मदद करते हैं ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद के लिए? अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हमारी मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत भी चमकानी होती है, ये चीज़ है। तो आपने तो यहाँ पे सब कुछ चमका के रख दिया, सियासत तो चमकना अलग बात है, अगर यहीं से कोई एक बंदा खड़ा हो जाए तो हो सकता है उसको भी 2-4 वोट मिल जाए। मिल तो सकते हैं, लेकिन हमारे में ये जज्बा नहीं है। ये जज्बा नहीं है जी, और ये जज्बा होना चाहिए कि जब आपको हक ना मिले तो फिर आप अपने हक के लिए खड़े हों। आप भी क्रिकेट देखने के लिए हैं? जी, मैंने हिस्सा भी इस टूर्नामेंट में लिया और साथ में क्रिकेट देखने के लिए भी आया। लोग
अपनी जाती सवारियों पर सिर्फ क्रिकेट देखने के लिए अपने तमाम मसरूफियात को छोड़ के यहाँ पे आए हैं? जितने भी टूर्नामेंट इस इलाके में हुए हैं, इतना अवामी जोश व खरोश मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगा अपना जिन्होंने ये टूर्नामेंट मुनक्कद किया है, और मैं उनको शाबाश दूंगा कि बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने की है। आप किस तरह से देख रहे हैं जी, आपकी टीम भी हमें पता लगा कि इस टूर्नामेंट में खेल रही है? मैं जाती तौर पर 11 स्टार क्रिकेट क्लब गांव बदरता का सदर हूं, और इंशाल्लाह सुबह मैच देखने वाले होंगे, बेहतरीन प्लेयर पंजाब के बेहतरीन प्लेयर हिस्सा लेंगे, मेरी टीम में पंजाब के बेहतरीन प्लेयर हैं, ये नहीं है कि गांव की टीम नहीं होगी, एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ रही है, क्रिकेट से आपकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है, मुझे यूँ महसूस हो रहा है। इंशाल्लाह जी, ये जज्बा है हमारे दिल का कि हमें क्रिकेट से लगाव है। हाँ जी, दिल होना चाहिए जवान, उम्रस की रखे जी, दिल होना चाहिए जवान, तो उम्रस की रखे। आप देख रहे हैं कि हर उम्र के लोग यहाँ पर, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, नौ उम्र भी हैं, कम उम्र भी हैं, कम सिन भी हैं, और जिन्हें हम कहते हैं कि ज़ईफ़ होने को जा रहे हैं वो भी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि किसी का भी जोश और जज्बा जो है वो जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनका बच्चों से भी ज़्यादा, नौजवानों से भी ज़्यादा जोश और जज्बा खेल के हवाले से नज़र आ रहा है। और ग्राउंड में आना और रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक ग्राउंड में रहना, ये जिंदा दिलों की जो निशानियाँ और जिंदा दिलों की ये कौम है पाकिस्तान की, ऐसी ही जो सरगर्मियाँ हैं वो पूरे पाकिस्तान में जारी रहनी चाहिए। और ये इलाका यहाँ पर आवाज़ दे रहा है, ये जो ज़मीन है ये बुला रही है अपने उन मुंतखब नुमाइंदों को जो यहाँ से वोट लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। आप अपना कोई क्लब भी चला रहे हैं? हाँ जी, ये हमारा खालिद वुशू कंग फू के नाम से क्लब है, जो पाकिस्तान वुशू फेडरेशन से का लहाक है, और चाइनीज़ गेम ओरिजिनल करा रहे हैं। मलकी इफ्तिखार सब लाहौर के हैं, जो हमारी सपोर्ट करते हैं, यानी कि वो ग्रैंड मास्टर हैं पाकिस्तान के, और जो हर साल या 2 साल बाद चाइनीज़ मास्टर आता है लाहौर, वो हमें ट्रेनिंग देता है। शिकवा क्या है आपको अपने हुक्मरानों से? सर ये है कि यहाँ पे हेल्प नहीं है खिलाड़ियों की, स्पोर्ट्समैन की कदर नहीं है। और देखिए निशारा विकांग के अंदर एक ऐसे ये चैंपियन हुए हैं हमारे अकबर पहलवान साहब, पूरे पाकिस्तान के अंदर यानी कि उन्होंने नाम रोशन किया पूरे पाकिस्तान का कबड्डी में, लेकिन उसकी हुकूमत ने कोई सपोर्ट नहीं की। और निशारा विकांग के अंदर अब देखिए वुशू का देख लें, हमारे जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर सुन गए हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, तो इसी तरह सारे यानी कि सपोर्ट नहीं है खिलाड़ियों की। आप क्या कहते हैं? जो हमारे निशारा विकांग के खिलाड़ी हैं ना, इनको जो इनका टैलेंट ज़ाया हो रहा है, ये टैलेंट इनको जो है ना मिलना चाहिए, चाहे किसी भी सूरत में इनका हक मिलना चाहिए, ग्राउंड की सूरत में या कोई कम्प्लेक्स की सूरत में। तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में निशारा विकांग के नौजवानों ने अपना बनवाया है, अपने इलाके का नाम रोशन किया है। तो जो ये हमारी इंतज़ामिया है ना, इनके हुक्मरान है जो, ठीक है, ये हमारे खिलाड़ियों को टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं। टॉस जीता है आपने, बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे? बैटिंग। कितने रन आप समझते हैं बोर्ड के ऊपर अगर आप लगा दें या कर लें तो उसमें आप मैच जीतने में कामयाब हो सकते हैं? 70 रन। इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहते हैं, जिस तरह से बड़ी गैर मयारी सी ग्राउंड नज़र आ रही है और जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी नज़र नहीं आती यहाँ पर? जैसा ये इलाका है उसके लिए ये ग्राउंड होना भी एक नेमत है। ये भी मेरा ख्याल है कि 2-3 हफ्ते तक फिर इसमें भी फसल होगी, इन नौजवान तो फिर खेल से दूर हो जाएगा। आप 70 रन उन्होंने कहा करने हैं, लगाएंगे बोर्ड के ऊपर, आप समझते हैं कि 70 का टारगेट या 71 का मिलता तो आप? हम विन करने की कोशिश करेंगे। नौजवानों को आपने कितना मुतहरक रखा है? ग्राउंड आबाद करने की कोशिश की है, जो मनशियात फरोश हैं वो भी इनसे दूर रहें और ये उनसे दूर रहें। अगर हम इन्हें अच्छा ग्राउंड देंगे तो ये नौजवान आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान का सरमाया है।